और वहीं जंग के मैदान में भले ही दोनों देश उसूल भूल गए हैं, लेकिन आर्मेनिया में एक भारतीय परिवार पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है, इंसानियत सर्वोपरि है। आर्मेनिया अजरबैजान की जंग में ना तो नैतिकता बची है, ना ही इंसानियत की कोई जगह है। यहाँ खून की होली खेली जा रही है, लेकिन आप जैसे ही जंग के मैदान से बाहर आएंगे, इंसानियत आपका स्वागत करेगी। ये जो फूड पैकेट्स हैं, कितने पैकेट इस तरह भेजती है और किन किन तक पहुंचते हैं ये? ये हम पैकेट तकरीबन जब स्टार्ट हुआ था तो हमारी क्वांटिटी मतलब 700 के करीब हो गई थी। 700 पैकेट डेली डेली के लिए, क्योंकि जब एकदम से लोग आए तो उनके पास बना हुआ खाना नहीं था। जैसे ये चावल हैं, राजमा है, ये हमने वो बॉम्बे स्टाइल बनाया है, क्या बोलते हैं बड़ा टाइप जो बनाया है, बड़ा पाव जो, बड़ा पाव, और ये साथ में सैलेड है जी, और बच्चों के लिए अलग से पैकेट बना, बच्चों के लिए अलग से पैकेट जी। जी हाँ, परवेज और फारहा भारतीय हैं और जंग में बेघर हुए लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं। ये भारतीय परिवार रोज 400 लोगों का पेट भर रहा है। गौर करने वाली बात ये कि ये भारतीय परिवार हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। ये खाना है और यहाँ यहीं पर खाना पकता है उनके लिए, जो काराबाग से आए हुए लोग हैं, घर परिवार छोड़ के जिनका घर तबाह हो गया। तो ये देखिए, ये खाना तैयार है, एकदम शुद्ध भारतीय खाने, खुशबू आ रही है यहाँ पर जी, बिल्कुल। खून की प्यास लिए दो देश जंग में तबाही मचा रहे हैं। जहां जंग के उसूल खुला दिए गए हैं, अमन कमजोर पड़ रहा है और युद्ध विध्वंसक होता जा रहा है। ये एक बार फिर से दिखाते हैं आपको, ये यहां पर लिखा है इंडियन महक, ये इस रेस्टोरेंट का नाम है इंडियन महक, और ये पूरी तैयारी है। और सबसे ध्यान देने वाली बात यही है कि आज की तारीख में बहुत कीमत है इन इन इस मदद की, और ख़ास तौर पर उनके लिए जो बुरी तरह परेशान और भारतीय आगे आए हैं, ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी 9 भारतवर्ष, यरेवन। और वहीं टीवी 9 भारतवर्ष की टीम रात भर वॉर जोन में घूमती रही। आर्मेनिया की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, लेकिन लोगों को अपने देश की जीत की पूरी उम्मीद है। 4 मिनट के सीज फायर के बाद नागोर्नो काराबाग का मैदान जंग के नए पैमाने तय कर रहा है। बम, रॉकेट और बारूद से पूरा मैदान पटा है। यही वजह है कि आर्मेनिया की सड़कें अब पहले जैसे गुलजार नहीं हैं, सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन यहां लगे पोस्टर और टीवी स्क्रीन पर देशभक्ति उबाल मार रही है। जगह जगह हम जीतेंगे के पोस्टर लगे हैं। ये है आर्मेनिया का झंडा, लेकिन इसमें लिखा क्या है? किरण हमारे साथ में है, उनसे ये बात समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है इस पर। ये इसमें लिखा हुआ है #hakhteluenk, इसका मतलब है हम जीतेंगे। जब से ये जंग शुरू हो गया है, ये # पूरा सोशल मीडिया में आर्मेनिया चलाते हैं हौसले बनाने के लिए। और ये जिस बिल्डिंग का सामने हम खड़े हैं वो अर्नो बाबाजानियन म्यूजिक हॉल है, और अर्नो बाबाजानियन एक मशहूर आर्मेनियन म्यूजिशियन था, उसका म्यूजिक हॉल है। और ये उन्हीं की तरफ से हर जगह जितना भी यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, म्यूजियम्स है और सेंटर्स है, सब अपने अपने एक झंडा बाहर रखते हैं सिटीजंस का हौसले बढ़ाने के लिए। लेकिन जंगे मैदान में कहानी तो कुछ और गढ़ी जा रही है। यहाँ विस्तारवाद का लालच और कच्चे तेल की लालच ने वॉर का खतरनाक फ्रंट खोल रखा है। आर्थिक और राजनीतिक नफा नुकसान का हिसाब हो रहा है। जंग के पीछे के शातिराना चाल को आम जनता भी समझती है। यही वजह है कि यरेवन की सड़क पर एक ऐसा पोस्टर भी देखा जो जंग की हकीकत बयां कर रहा है। दो तस्वीरें लगी हुई हैं, तुर्की के प्रेसिडेंट की और अजरबैजान के प्रेसिडेंट की। ये जो उंगलियां मुंह में डाले हुए हैं, क्या इशारा है ये? ये इशारा ही देखिए, दोनों मिले हुए हैं, एक दोनों दूसरे को खिला रहे, दोनों दूसरे को आपस मिले हुए हैं। पोस्टरों में आर्मेनिया के खतरनाक स्किंडर मिसाइल का जिक्र है। यहाँ की आवाम चाहती है कि इसे अजरबैजान पर बरसा दिया जाए और एक बार में ही खेल खत्म कर दिया जाए। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।